तो एक मिनट उसके सर, आप तो रोज होस्टिंग करते हो, आज मैं करेगा। सो वेलकम दी बैक एवरीवन। क्या क्या बोला? वेलकम दी बैक एवरीवन। वो वेलकम दी बैक एवरीवन होता है, वेलकम दी बैक एवरीवन नहीं होता। हां भाई, जो एसके सर ने कहा टू अनदर वीडियो गाइस, तो आज के वीडियो में हम लोग माय टीएच देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम दी बैक टू अनदर वीडियो गाइस। सो आज की वीडियो जो है मीट बस्टर्स के ऊपर है, एंड मीट बस्टर की सीरीज का ये पहला एपिसोड है। तो आई होप तुम लोग इसको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने वाले हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हो। तो लेट्स सी तुम लोग कितना ज़्यादा इसको सपोर्ट करते हो। एंड गाइस, लाइक करो इस वीडियो को एंड शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर चैनल पे न्यू हो एंड एंटरटेनिंग क्लैश ऑफ क्लैंस के कंटेंट्स को देखना चाहते हो तो भाई सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार तुम लोग को एंटरटेन करने के लिए अपन कुछ भी कर सकते हैं। तो लेट्स सी गाइस, तुम लोग इस सीरीज को कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हो। सो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए अपने अपने मीथ बस्टर्स कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, वो भी बिना किसी देरी के। सो गाइस, पहला मीथ यहाँ पे सीओसी गेमर की तरफ से। सो बिग शाउट आउट टू सीओसी गेमर। तो इनका मीथ है कि यार अगर बिल्डर बेस में जेम माइन में जेम्स हो और आप उसी टाइम पे वॉल पे क्लिक करते हो तो जेम्स का सिंबल चला जाता है। ऐसा भी होता है क्या? मैंने तो कभी नोटिस नहीं करा, मैं बिल्डर बेस खेलता ही नहीं हूँ। सो गाइस, चलो आज देख ही लेते कि यार इसका क्या सीन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके बिल्डर बेस में एंड यहाँ पे हमें एलिक्सर गोल्ड एंड जेम दिख रहे। तो अभी वॉल पे अपन क्लिक करते हैं एंड लेट्स सी। ओ भाई साहब, यहाँ पे जेम्स तो सही में गायब हो गया, लेकिन भाई साहब जेम के साथ साथ यहाँ पे एलिक्सर एंड गोल्ड भी गायब हो गया। तो चलो यार, हमें तो जेम के साथ साथ दो और चीज़ों के बारे में पता चला कि यार गोल्ड एंड एलिक्सर भी यहाँ पे गायब हो जाता है। सो गाइस, वी कैन से दैट द मिथ इज कन्फर्म्ड। तो गाइस, सेकंड मीथ यहाँ पे श्रेयस जयसवाल भाई की तरफ से। सो बिग शाउट आउट टू हिम। तो यार इनका मीथ है कि व्हेन वी गो टू डोनेट ट्रूप्स एंड स्पेल्स विद जेम्स, देयर इज ऑप्शन टू डोनेट क्लोन स्पेल विद 30 जेम्स, व्हिच इज इम्पॉसिबल टू डोनेट एज इट टेक्स 3 स्पेल स्पेसेस। तो भाई ये चीज चेकआउट करते हैं, काफी मजेदार लग रहा है। तो गाइस, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो अपना जो मैक्स सीसी होता है उसका भी स्पेल स्टोरेज कैपेसिटी 2 होता है। ठीक है, तो अभी मैं इस अकाउंट से रिक्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है, एंड देन हम लोग चेकआउट करेंगे अपने दूसरे अकाउंट से कि क्या हम लोग जेम्स से जब डोनेट करते हैं तो हमें वहाँ पे स्पेल का ऑप्शन देता है या फिर नहीं। सो लेट्स सी। तो आ चुके अपन यहाँ पे टाउन हॉल 10 अकाउंट पे एंड अपन जब यहाँ पे क्विक डोनेट पे जाते, भाई क्यों नहीं? ओ भाई, भाई साहब ये तो एकदम सेंसलेस चीज हो गई यार। मतलब जो चीज हो ही नहीं सकता उसका यहाँ पे ऑप्शन क्यों शो हो रहा है? चूतिया साला, अक्कल की जिसने। एनीवे गाइस, वी कैन से दैट द मिथ इज कंफर्म्ड। सो गाइस, अभी बढ़ते हैं थर्ड मीथ की तरफ। तो यहाँ पे अरबिंदा दुलाल का है थर्ड मीथ। तो बिग शाउट आउट टू हिम। तो इनका मीथ है कि इफ एनीवन इनवाइट यू इन अ क्लैन देन विदाउट एक्सेप्टिंग द इनविटेशन यू सेंड जॉइन रिक्वेस्ट टू द सेम क्लैन एंड देन एक्सेप्ट इनविटेशन स्टिल द जॉइन रिक्वेस्ट कैन बी सीन। तो भाई साहब ये चीज पहले नहीं हुआ करता था, तो अभी देखते हैं क्या ये चीज ऐसा होता है या फिर नहीं। तो मैंने यहाँ पे अपनी आईडी को इनवाइट कर दिया, अपने टाउन हॉल 10 आईडी को। तो अभी अपन वही सेम चीज करते हैं जैसा अरबिंदा भाई ने बोला है। तो भाई साहब यहाँ मेरे इनविटेशन के अलावा और भी बहुत सारे इनविटेशन पड़े हैं अपने ही क्लैन से। सो अभी अपन पहले वो चीज करते हैं जैसा अरबिंदा भाई ने बोला। तो अपन यहाँ पे ज्वाइन रिक्वेस्ट डाल देते हैं अपना एंड मैं वहाँ पे बोल के आया हूँ कि कोई भी मेरा टाउन हॉल 10 को एक्सेप्ट नहीं करेगा क्लैन में। तो अभी अपन ज्वाइन रिक्वेस्ट इनविटेशन से जाते हैं वहाँ पे एंड देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पे अपन आ चुके क्लैन में एंड बूम गाइस, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अभी भी मेरा ज्वाइन रिक्वेस्ट वहाँ पे शो हो रहा है। सो अगेन वी कैन से दैट द मिथ इज कन्फर्म्ड। सो गाइस, बढ़ते हैं अभी अपने फोर्थ मिथ की तरफ। तो क्लैशर अभिषेक को बिग शाउट आउट एंड इनका मिथ है कि इफ यू क्लिक ऑन वॉल बिल्डर बेस जाने वाले बोर्ड पे बोर्ड का सिंबल रहेगा, बट अगर अपन पूरा रो को सेलेक्ट करेंगे तो यार सिंबल डिसअपियर हो जाएगा। तो लेट्स सी क्या होता है यार। तो यहाँ पे अपन वॉल को सेलेक्ट करते तो यहाँ पे अपन को बोर्ड का सिंबल दिख रहा है यहाँ पे, एंड जब अपन पूरे रो को सेलेक्ट करेंगे तो सो गाइस अगेन एंड अगेन वी कैन से दैट द मिथ इज कंफर्म। यार कोई बस्टर्ड मिथ भी दे दो। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, प्लीज यार। सो गाइस, बढ़ते हैं अभी अपने फिफ्थ मिथ की तरफ एंड यार आई होप कि यार ये बस्टेड निकले। तो यहाँ फिफ्थ मिथ है सुजल पटेल का, तो बिग शाउट आउट टू हिम एंड ये लिखते हैं कि बीएच में जेम माइन से तुम जेम चेक कर सकते हो कितनी जेम्स है, पहले वॉल को टच करो फिर जेम माइन को, माइन से कलेक्ट नहीं होगा जेम्स। सो होप करते हैं ये बस्टेड हो एंड लेट्स सी क्या होता है।
तो आ चुके अपन अपने बिल्डर बेस पर। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा जेम माइन पे जेम है, तो अगर अपन जेम माइन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली जेम कलेक्ट हो जाएगा। तो सुजल भाई जैसा बोले वैसा अपन करते हैं। तो यहाँ पे वॉल पे क्लिक करें अपन, फिर जेम माइन पे क्लिक करें एंड यहाँ पे जेम हम लोग देख सकते हैं 12 जेम है। तो भाई जेम कलेक्ट नहीं हुआ, तौबा, थारा मूड खराब कर दिया हमारा। सो अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन हम लोग फिर से बोल सकते हैं दैट द मिथ इज कंफर्म्ड। सो गाइस बढ़ते अपने सिक्स्थ मिथ की तरफ। तो यहाँ सिक्स्थ मिथ है अपने क्लैन के बंदे का, ग्रिमवा बबुआ का। तो यार इसका मिथ है कि अगर किंग या क्वीन को स्लीप पे रख के उनके अल्टर को एक जगह से दूसरी जगह करते हैं तो भाई वो बहुत तेजी से भागते हैं। तो देखते यार क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि वो अल्टर नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं किंग क्वीन का सिंहासन। तो गाइस सबसे पहले हम लोग नॉर्मली इसको रखते हैं क्वीन को एंड इसको यहाँ से हटाएंगे हम लोग। दूसरी जगह अगर हम लोग रखते हैं तो देखते हैं क्या करती है क्वीन। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही मटक मटक के चल रही है क्वीन और बहुत ही धीरे आराम से यहाँ पे अपने सिंहासन तक आती है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको करते हैं स्लीप मोड पे डाल के। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने इसको स्लीप मोड पे डाल दिया है एंड जैसे ही अपन इसको यहाँ पे दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो भाई साहब देख सकते हो भाई क्या ही रफ्तार में भाग रही क्वीन। तो यार अपने क्लैन के बंदे भी दगाबाज निकले। सो वी कैन से दैट द मिथ इज कंफर्म्ड। सो गाइस बढ़ते अभी अपने सेवंथ मिथ की तरफ। सो स्पर्श यादव को बिग शाउट आउट एंड इनका मिथ है कि यार अगर अपन विंडमिल को फ्रीज स्पेल से फ्रीज करते हैं तो वो फ्रीज हो जाएगा और नहीं घूमेगा जब तक फ्रीज स्पेल का असर है। तो भाई अंदर से ऐसा फीलिंग आ रहा है कि ये अपना पहला बस्टेड मिथ है। सो लेट्स चेक इट आउट। तो गाइस अपन अभी यहाँ पे एफसी पे चलते हैं एंड लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग खोपचे पे विंडमिल है, तो यहाँ पे अपन फ्रीज स्पेल को ड्रॉप करेंगे एंड लेट्स सी क्या होता है। तो भाई होप करते हैं बस्टेड हो जाए ये मिथ। तो मैंने नहीं करना यार ये मीथ बस्टर, मतलब यार मीथ बस्टर नाम है लेकिन एक भी बस्टेड मीथ ही नहीं है, सारे कंफर्म मीथ ही तुम लोग दे रहे हो मेरे को। यार क्या ही स्कैम है यार, भाई फिर से बोलना पड़ेगा कि यार ये मीथ भी कंफर्म्ड है। तो यार अब तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि मेरे को कोई भी बस्टेड मिथ मिलेगा, बट स्टिल लेट्स मूव ऑन टू आवर मिथ नंबर 8। सो बिग शाउट आउट टू हर्षवर्धन शर्मा एंड इनका मिथ है कि यू कैन नॉट डोनेट मैक्स टू बाय पावर। सो गाइस इनका कहने का यही मतलब है कि यार अगर अपन पावर पोशन यूज करते तो हम लोग मैक्स ट्रूप यूज कर सकते हैं लेकिन डोनेशन का ट्रूप जो होगा वो वही जाएगा जो हमारा एक्चुअल लेवल है ट्रूप का। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है। तो आ चुके हैं अपन अपने टाउन हॉल 13 के अकाउंट में एंड यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो मेरे जायंट्स का जो एक्चुअल लेवल है वो है लेवल 7 एंड अगर अपन यहाँ पे पावर पोशन यूज़ करते हैं एंड किसी पे अटैक करते हैं तो भाई वो हमें मैक्स जायंट्स अवेलेबल करा देगी। लेकिन यहाँ पे देखना ये है कि अगर हम लोग इस ट्रूप को डोनेट करते हैं तो कौन सा लेवल का ट्रूप जाएगा। ठीक है, तो लेवल 9 का क्लैन है तो उसके हिसाब से लेवल 8 का जाना चाहिए। तो देखते हैं अभी मीथ बस्टेड है या कन्फर्म्ड है। तो यहाँ पे अपन टाउन हॉल 8 के अकाउंट से रिक्वेस्ट करें तो यहाँ पे अगर हम लोग डोनेट करते हैं जायंट्स तो भाई साहब ये मैक्स लेवल के नहीं जा रहे, लेवल 8 के जा रहे हैं। सो वी कैन से दैट द मिथ इज कंफर्म। तो गाइस बढ़ते अपने 9th मिथ की तरफ। सो बिग शाउट आउट टू हर्षन महादी एंड इनका मिथ है कि यार टोर्नेडो ट्रैप डिडंट वर्क ऑन माइनस। तो यार मेरे हिसाब से तो करना चाहिए क्योंकि यार टोर्नेडो ट्रैप सारे ट्रूप्स पे वर्क करता है। तो लेट्स सी क्या होता है। सो गाइस इस बेस पे इसके आसपास ही यहाँ पे टोर्नेडो ट्रैप प्लेस्ड है तो यहाँ पे मैं माइनस अटैक करूंगा एंड देखूंगा कि यार वर्क करता है या फिर नहीं। मैंने यहाँ पे एक अच्छा सा फनल क्रिएट कर दिया है अपने स्टोन स्लैमर एंड हीरोज का यूज करके ताकि जितने भी मेरे माइनस है सारे टाउन हॉल पे अटैक करे। ठीक है, तो यहाँ पे फनल क्रिएट हो चुका है एंड मैंने सारे माइनस यहाँ डिप्लॉय कर दिए हैं एंड यहाँ पे देख सकते हो टाउन हॉल पे गए, टोर्नेडो ट्रैप निकला लेकिन टोर्नेडो ट्रैप कुछ कर नहीं रहा है। ये तो चीटिंग है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। भाई माना माइनस अंडरग्राउंड जा सकते हैं लेकिन यार जब जमीन के ऊपर है तब तो टोर्नेडो ट्रैप वर्क करना चाहिए ना। भाई क्या ही स्कैम है यार मेरे साथ। यार फिर से द मिथ इज कंफर्म। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो गाइस। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड कैसे नहीं आएगा यार, मेरा इतना सारा तुम लोगों ने स्कैम्स देखा तो यार तुम लोगों को थोड़ा तो मजा आया ही होगा एंड तुम लोगों ने एंजॉय भी करा होगा। तो गाइस अगर एंजॉय करा वीडियो को तो यार कम ऑन इसको लाइक करो, जितना ज्यादा हो सके इसको लाइक करो, अपने सभी क्लैश ऑफ क्लैंस फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो एंड गाइस कमेंट करके बताओ तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, कैसी बनी है वीडियो। ठीक है, एंड अगर चैनल पे पहली बार आया हो, पहली बार हमारा चैनल को विजिट कर रहे हो तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना ताकि तुम कोई भी इंटरटेनिंग क्लैश ऑफ क्लैंस के कॉन्टेंट्स मिस नहीं करो। ठीक है, तो यार अब जाते जाते मैं यही उम्मीद करता हूँ कि यार दुनिया के किसी कोने में ऐसा कोई तो होगा, कोई तो वेल्ला होगा जो यार मेरे लिए कोई बर्स्टेड मीथ कमेंट करे। तो गाइस सभी के सभी यार अपने मीथ्स कमेंट सेक्शन में स्पैम कर दो एंड जिनका भी मीथ मैं नेक्स्ट एपिसोड में लूंगा उनको शाउट आउट भी जरूर दे दूंगा जैसा कि मैंने इस एपिसोड में दिया है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस।